अपने बच्चों का EWS में एडमिशन करवाया है तो आपको ये पता होना चाहिए कि बच्चे का जो एडमिशन है कौन से स्कूल में हुआ है या नहीं हुआ है। सो इस वीडियो के अंदर आपको यही बताया जाएगा। जैसा कि मैं यहाँ पे एक पर्चा दिखा देता हूँ, यहाँ पे एक पर्चा दिखाया जा रहा है, यहाँ पे आपको ये चीज़ है कि आपके बच्चे का कौन से स्कूल में एडमिशन हुआ है। तो आपको ये इस तरह से डाउनलोड करने का आपको इस वीडियो के अंदर पूरा प्रोसेस बताया जाएगा, और कैसे स्टेटस चेक करते हैं कि कौन से स्कूल में बच्चे का एडमिशन हुआ है या नहीं हुआ है, तो इस वीडियो के अंदर पूरा प्रोसेस है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इस वीडियो को स्किप ना करें। और अगर मेरे चैनल पहली बार है तो मेरे चैनल को ऐसे सब्सक्राइब कर दें जिससे कि आपको इसी तरह की नई नई लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे इस चैनल के थ्रू। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता देता हूँ, मेरा नाम है विकास, आप देख रहे हैं विकास का चैनल। इस चैनल के थ्रू आपको नए नए कंटेंट मिलते हैं और नई नई वीडियो मिलती है इस चैनल के थ्रू। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपनी फोन के स्क्रीन पर। गाइस जैसा कि हम फोन के स्क्रीन पर आ गए, सिंपली आपको क्रोम ओपन करना होगा। क्रोम ओपन करने के बाद आपको सिंपली EDUDEL आपको सर्च करना होगा। जैसा कि मैं स्क्रीन पर आपको दिखा देता हूँ, आपको इस तरह से आपको सर्च करना होगा। इस तरह से सर्च करने के बाद आपको एक नया इंटरफेस मिल जाएगा, जो पहली वेबसाइट दिखेगी आपको उस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको एक नया इंटरफेस मिल जाएगा, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप आसानी से यहां पे इस पेज पे आ सकते हैं। तो आपको पहले जूम करना है, यहां पे लिखा है EWS DG एडमिशन, तो इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको जूम करना है। जूम करने के बाद आपको यहां पे जैसा कि आपको नीचे रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है दूसरे नंबर पे, तो आपको यहाँ पे जूम करके आपको देख लेना। जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ, जो दूसरे नंबर पर आपको क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस मिल जाएगा, इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप सिंपली इस पेज पर आ सकते हैं। पहले आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है रजिस्ट्रेशन नंबर, तो आपको जब आप अप्लाई करवाए होंगे तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा, उस एक स्लिप निकाल के दी होगी कि सेवे कैफे ने, तो आपको एप्लीकेशन नंबर डाल देना। डालने के बाद आपको डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। डालने के बाद आपको नीचे सबमिट का ऑप्शन आपको मिल रहा होगा, आपको सबमिट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको एक नया इंटरफेस मिल जाएगा, एक नया पेज मिल जाएगा, इसको आपको प्रिंट कर लेना है। इसमें आपका सारे डिटेल आ जाएगा कि कौन से स्कूल में बच्चे का एडमिशन हुआ है, कौन से स्कूल में नहीं। तो आपको वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।